नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा। संबंधित क्षेत्रों के अधिकारियों को घोषणाओं को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राज्य स्तरीय बैठक। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 787 करोड़ रुपए के वार्षिक कार्य योजना का किया गया अनुमोदन। चमोली जिले के सीमांत भापकुंड में बादल फटने से दो लोगों की मलबे में दबने से मौत, दो अन्य लापता। राजस्व विभाग, बीआरओ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। और देहरादून में रिस्पना से ऋषि पर्णा मिशन के तहत आगामी रविवार को 2.5 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केरवा गांव से रिस्पना पुनर्जीवीकरण का करेंगे शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सचिवालय में पिथौरागढ़ और चंपावत जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्य सचिव, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सभी विधायक मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रों में विकास के लिए की गई घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार विकास के लिए काम कर रही है, यही वजह है कि आज सभी विधायकों को समीक्षा बैठक के दौरान बुलाया गया। श्री कौशिक ने बताया कि पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जितनी भी घोषणाएं की गई थी उनमें से अधिकांश पर काम पूरा किया जा चुका है, जबकि अन्य पर काम जारी है। उन्होंने दोनों जिलों के विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की जानकारी दी। दो क्षेत्रों के जिलों के 6 विधानसभाएं हैं, उनकी समीक्षा हुई है। एक माननीय विधायक का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए। 5 विधायक उपस्थित रहे, कैलाश गतूड़ी जी, और इसमें कांग्रेस के विधायक है वो भी उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं गंगोली हाथ की बात करता हूं। गंगोली हाथ में कुल 13 घोषणाएं थी। 13 में से 10 कार्य जो यहां शासन स्तर पर होना था पूरा हो गया है। 3 पर गतिमान है और उसमें जल्दी उसको पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख रूप से इसमें पार्क है, कुछ सड़क है और कुछ पेयजल की योजनाएं हैं। पेयजल की योजना एक बड़ी योजना है जिसमें गनाई वासुकीनाथ पेयजल योजना जो 36 करोड़ रुपए की है उसमें 101 बस्तियां लाभान्वित होंगी। उसके लिए डीपीआर आ गया है और जल्दी उसकी स्वीकृति कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो गंगोली हाथ में 13 घोषणाएं हैं, तो इस प्रकार से आज 6 विधानसभाओं की समीक्षा हुई है। इसमें कांग्रेस के एक सम्मानित विधायक है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और निश्चित रूप से आकर अपने क्षेत्र में इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको उठाना और माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं एक बड़े मन के साथ इन सारी चीजों को गंभीरता से लेते हुए सोचना होगा। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने बताया कि इस तरह की बैठक से विकास में मदद मिलेगी। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राज्य स्तरीय बैठक हुई। सचिवालय में आयोजित इस बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 787 करोड़ रुपए के वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। बैठक में मुख्य सचिव ने वर्षा जल संरक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए। बैठक में सिंचाई विभाग में प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना से लगभग 11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिससे 24,000 से अधिक किसानों को लाभ हुआ था।
बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में करीब 94,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को आच्छादित किया जाएगा। इससे करीब 64,000 लोगों को लाभ होगा। इसमें 927 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जल संरक्षण ढांचा बनाकर 7,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अलावा माइक्रो सिंचाई और जलागम के जरिए आजीविका उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण से कई गांव अब मुख्य मार्गों से जुड़ गए हैं। इससे ग्रामीणों को अब लंबी दूरी पैदल नहीं तय करनी पड़ती। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़कों से स्थानीय ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार से के इस प्रयास से जहां गांव का विकास हुआ है, वहीं सैकड़ों बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिला है। इस संबंध में पिथौरागढ़ की प्रभारी जिलाधिकारी वंदना का कहना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जून 2018 तक कुल 99 बसावटें सड़क से जुड़ गई हैं, जिसमें 1,500 की जनसंख्या वाली 37 बसावटें हैं और 250 जनसंख्या की 55 बसावटें हैं। योजना में जून 2018 तक जो हम लोगों की अभी तक जुड़ी हुई बसावटें हैं, उसमें कुल 99 बसावटें प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से सड़क से जुड़ी गई हैं, जिसमें 1,000 प्लस जनसंख्या की 7 हैं, 500 प्लस जनसंख्या की 37 हैं और 250 प्लस जनसंख्या की 55 हैं। जो भविष्य में प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांवों को जोड़ने की का कार्य चल रहा है, जो भविष्य में जोड़ी जानी है, वो पूरे जिले में कुल 56 बसावटें हैं। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सराहना करते हुए कहा कि सड़कों के निर्माण से उनका जीवन पहले से बेहतर हो गया है। जो दुर्गम क्षेत्र हैं, दूर दराज क्षेत्र हैं, जो बेचारे असहाय थे, आज उन रोडों से लिंगो शहर में हो गया है, कम दुख तकलीफ में और अपना रोजगार कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको जो है काफ़ी सुविधाएँ हो गई। हमारा मानना है कि और होगी आगे को तो और अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री जी का इसमें धन्यवाद है बहुत बहुत। सब गांव गांव में कभी कभी मेडिकल के लिए परेशानी थी, डिलीवरी के लिए परेशानी, आज प्रधानमंत्री योजना में आज इतनी सफलता है कि आदमी आ रहा है, जा रहा है, गरीब आदमी, नहीं तो उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी, व्यवस्थाएँ नहीं थी, आज गाड़ियां अपनी बुक करके भी आदमी आ रहा है, जा रहा है, सुविधा तो है कम से कम। उनको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री सड़क योजना से जहाँ पर पहाड़ी राज्यों के लिए था, जहाँ पर 500 की जनसंख्या या उससे ज़्यादा की जनसंख्या थी, वहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना से गाँव को जोड़ने का जो सपना था वह धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आज पिथौरागढ़ में ही ले लें, कई जगह पर प्रधानमंत्री सड़क योजना लगभग लगभग पूरी होती दिखाई दे रही है और ग्रामीण लोग जो आवागमन की सुविधा से वंचित थे, जिन्हें लगातार कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही थी, उन लोगों को इस प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से अब कनेक्टिविटी की सुविधा मिल रही है और लोगों का आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क कटी है उससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो हम खेती करते हैं, पहले अनाज को हमारे यहाँ सड़क न होने के कारण हम दूर दराज नहीं ले जा पाते थे, आजकल सड़क होने के कारण हम मार्केट में ले जा रहे हैं और हमें अच्छे दामों में वो मिल रहा है। साग सब्जी हो गई, फल फूल हो गया, दूध हो गया और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मार्केट लेकर आते हैं और हमें अच्छे दामों में मिल जाते हैं। पहले हम जब मार्केट आते थे तो हमें यह पता नहीं होता था कि हम शाम को घर जाएंगे या नहीं, लेकिन ये सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बहुत ही फायदा हो रहा है और हम आज सुबह घर से निकल रहे हैं तो शाम को आराम से घर पहुंच रहे हैं। किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी करने के उद्देश्य से प्रदेश में एकीकृत फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पर्वतीय क्षेत्र में कम जोत में किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसके तहत कृषक समूहों में कृषि यंत्र बांटे जा रहे हैं ताकि किसानों के लिए खेती खलिहानी आसान हो सके। ये जानकारी मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दी गई। सचिवालय में आयोजित इस बैठक में कृषि विकास योजना के लिए 21 करोड़ रुपए की कार्य योजना अनुमोदित की गई।
केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव डॉक्टर तारसेम चंदन ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही अभिनव पहल को अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में DBT योजना लागू होने और मृदा परीक्षण कार्ड बनने से किसानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पॉश यानी पॉइंट ऑफ सेल मशीन किसानों के लिए बेहद लाभदायी साबित हो रही है। इस मशीन के इस्तेमाल से किसानों को जमीन में पोषक तत्वों की जरूरत का पता चलता है। एकीकृत फार्मिंग से किसान मछली पालन, मुर्गी पालन, पॉली हाउस खेती और फलदार पौधरोपण एक साथ करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। बैठक में बताया गया कि राज्य में 6 एरोमेटिक वैली भी विकसित की जा रही हैं। पौड़ी की पीड़ा घाटी और चमोली की औली घाटी को सुगंधित घाटी के रूप में विकसित करने का काम शुरू हो गया है। चमोली जिले के सीमांत भापकुंड इलाके में बादल फटने से सड़क के किनारे टीन शेड में रह रहे BRO के 2 मजदूरों की मलबे में दबने से मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। ये जानकारी देते हुए जोशीमठ के उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि राहत और बचाव टीम में राजस्व विभाग, BRO और SDRF के जवान शामिल हैं। वहीं जोशीमठ से 44 किलोमीटर आगे बादल फटने से तमक नाले में आए मलबे के कारण कुछ मकान बह गए और खेतों में भी मलबा आया है। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने रविवार को राज्य में कहीं कहीं अत्यधिक बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच राजधानी देहरादून सहित राज्य के कई अन्य हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई। देहरादून में रिस्पना से ऋषिपर्णा मिशन के तहत आगामी रविवार को 2.5 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केरवा गांव से रिस्पना पुनर्जीवीकरण का शुभारंभ करेंगे। पौधरोपण का कार्यक्रम सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चलेगा। मिशन की तैयारियों के बारे में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर तैयारियों के विषय में विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए। बैठक में बताया गया कि मुख्य कार्यक्रम केरवा गांव के अलावा मोथरोवाला में भी होगा, जहां एक सद्भावना पार्क का निर्माण किया जाना है। बैठक में बताया गया कि 416 स्कूलों के बच्चों को 1.5 लाख पौधे वितरित कर दिए गए हैं। बच्चे पौधे लगाकर सेल्फी लेंगे और उन्हें कार्ड दिया जाएगा जिस पर फोटो और नाम दर्ज करके वो अपने स्कूल में इसे जमा करेंगे। स्कूलों द्वारा ये रिकॉर्ड जिला प्रशासन को भेजा जाएगा और उसके बाद जिला प्रशासन से सत्यापित होने के बाद ये कार्ड वापस विद्यार्थियों को दे दिए जाएंगे। पद्मभूषण कवि और गीतकार गोपालदास नीरज का लंबी बीमारी के बाद कल नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 94 वर्ष के थे। सरल सहज शब्दों में अपने गीतों और मंच पर अनूठी अदायगी के लिए स्वर्गीय नीरज दशकों तक श्रोताओं के मन पर छाए रहे। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे जैसे गीतों ने उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए कि इंसान को इंसान बनाया जाए, जैसी रचनाओं से उन्होंने समाज को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। नीरज के प्रमुख काव्य संग्रह हैं आसावरी, लहर पुकारे, वंशीवट सुना है और प्राणगीत। उन्होंने प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने, शर्मीली और कई अन्य लोकप्रिय फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। उन्हें 1991 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जाने माने कवि और गीतकार गोपालदास नीरज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि उनकी रचनाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि नीरज की अनूठी शैली उन्हें हर पीढ़ी और हर वर्ग के लोगों से जोड़ती रही। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा। संबंधित क्षेत्रों के अधिकारियों को घोषणाओं को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राज्य स्तरीय बैठक। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 787 करोड़ रुपए के वार्षिक कार्य योजना का किया गया अनुमोदन।
चमोली जिले के सीमांत भापकुंड में बादल फटने से दो लोगों की मलबे में दबने से मौत, दो अन्य लापता। राजस्व विभाग, बीआरओ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। और देहरादून में रिस्पना से ऋषि परणा मिशन के तहत आगामी रविवार को 2.5 लाख पौधों का किया जाएगा रोपण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत केरवा गांव से रिस्पना पुनर्जीवीकरण का करेंगे शुभारंभ। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।